शहर में स्मॉग की शिद्दत बढ़ने लगी। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात ने टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट से चलने वाली सनअतें मुस्तकिल बंद करने का फैसला कर दिया। जबकि हुकूमत पंजाब की फजाई आलूगी को कंट्रोल करने के हवाले से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां। स्मॉग के सदबाव के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम भी फाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला के ज़ेरे सदारत इजलास में बढ़ती आलूगी पर तशवीश का इजहार। उधर भट्टों की बंदिश पर हाईकोर्ट ने भट्टा एसोसिएशन की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोरोना से पैदा होने वाला मौसी बहरान संगीन। पंजाब हुकूमत की विफाक से मजीद 35 अरब की डिमांड। रकम निजी और सरकारी शोबे में कोरोना वबा से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए खर्च की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए माली वसाइल की कमी का मसला दरपेश। वबा खिदमात का निजाम तहसील की सतह से कानून बोई की सतह पर पहुँचाने के प्रोग्राम के 54 करोड़ भी डकार गई। फंड कोरोना को मुंतकिल होने के सबब मनसूबा इल्तवा की नजर। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार 8 करोड़ 45 लाख की जायदाद के मालिक। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के 1.5 अरब रुपए मालियत के असासे और हमजा शहबाज 41 करोड़ के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के अरकान के गोशवारों की तफसीलात आम कर दी। गाड़ी और जायदाद से महरूम साजदा यूसुफ पंजाब असेंबली की सबसे गरीब रुकन करार। अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्माना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सही जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ का एक बार फिर बेकसूर होने, कौम के अरबों रुपए बचाने और एक ढेले की भी करप्शन ना करने का दावा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, मेरे और बच्चों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस गलत, अपने दौर में जो काम किए सबके सामने है। जज ने सुनवाई के दौरान ऑपोजिशन लीडर को अदालत से सवाल करने से रोक दिया। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए आइंदा सभा 26 नवम्बर को होगी। पेशी के मौका पर शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से सेहत से मुतल्लिक इस्तफसार, जवाबवर्दी पर दाद भी दी। सख्ती कैद बर्दाश्त कर गए हंसते हंसते, हमसे मंदे जमाने में कहां से मिलेंगे। मर्दे हुद मीरे सहाफत मीर शकील रहमान को रिहा कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में रिहाई के मौका पर मीर इब्राहिम, सुहेल बड़ाइच, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवी चौधरी, खुरम कलीम, नियाद आहिर, जाहिद चौधरी समेत दीगर ने मीर शकील रहमान का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकील रहमान की जमानत मंजूर की थी। मीर शकील रहमान 241 रोज हिरासत में रहे। सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड साबिक ज़ियाज़म चौधरी शुजात हुसैन की सेहत सूरतेहाल में बेहतरी पर मुतमईन। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर कामरान चीमा ने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत देखकर डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। जबकि चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए सियासी समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। नून लीग रहनुमा राना तनवीर हुसैन, खुरम दस्तगीर, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, मौलाना अब्दुल गफ्फार रोपड़ी और मशीर सेहत हनीफ बदाफी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। समीना खालिद की कयादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। रवा मालीसाल अकलियती बरादरी के लिए तरक्याती फंड्स ऊंट के मुंह में जीरा। बुलंदोबाग हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर की अकलियती आबादियां नजरअंदाज। बहार कॉलोनी, योहानाबाद, खान कॉलोनी, शादरा समेत दीगर अकलियती आबादियों के लिए 32 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी के बावजूद 5 माह में सिर्फ 1 करोड़ जारी किए गए। मुतद्दिद मंसूबे हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक। कब्जे की अराजी पर हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ एंटी करप्शन इन एक्शन। शालामार में रॉयल गार्डन हाउसिंग की इंतजामिया जवाबदही के लिए तलब। सबूत फराहम करने वाले रेवेन्यू ऑफिसर को भी पेश होने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम के मालिकान पर 1 अरब मालियत की 65 करोड़ सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर मनसूबे में शामिल करने के इल्जाम में तहकीकात जारी है। लेस्को फील्ड स्टोर जून से करोड़ों का सामान चोरी होने का मामला। तहकीकात में मुलाजमीन के मुलविस होने के सबूत मिल गए। मैनेजर जून स्टोर समेत पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के दौरान 5 करोड़ 90 लाख रुपए का सामान चोरी होने की निशानदेही हुई। लाहौरियों को जारी मुझे सेहत खुदनी तेल और कैचअप खिलाने का मनसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का करोड़ घाटी और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। फूड प्रोडक्शन के 6 यूनिट सी,
एक की प्रोडक्शन पर पाबंदी। कार्रवाई के दौरान 6000 किलो भेड़ की अंतड़ियां, 350 किलो मुजरे सेहत कैचअप और 1000 किलो मिलावटी दूध कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया गया। वासा के डिलीवरी सब इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी, वासा का सब इंजीनियर्स को रेगुलर ना करने का फैसला कल अदम करार। हाईकोर्ट ने डेली वेजेस सब इंजीनियर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। महकमा महबूद आबादी और पॉपुलेशन एसोसिएशन के जरिए तमाम फैमिली प्लानिंग बतौर इंसानी हकूक से मुतालिक सेमिनार। वजीर महबूद आबादी पंजाब, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सेक्रेटरी पॉपुलेशन अली बहादुर काजी, डायरेक्टर जनरल मोहम्मद मालिक भल्ला और दीगर की शिरकत। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा, हुकूमत आबादी कंट्रोल करने के लिए संजीदा है, मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर करके बढ़ती हुई आबादी को मुमकिन हद तक कंट्रोल किया जाएगा। सीईओ लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा का लाहौर चैम्बर का दौरा, चैम्बर अहदेदारों से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा और सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान ने लेस्को चीफ को बिजली की फराहमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में सनअतों मार्केटों को बिजली की तसलसल के साथ साथ फराहमी पर इत्तफाक किया गया। मेंबर गवर्निंग बॉडी एलजीए आमिर रियाज कुरैशी की जानिब से डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की दावत का एहतमाम। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, वाइस चेयरमैन एलजीए एसएम इमरान, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज सलमान नासिर समेत दीगर शरीक हुए। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश को 72वां रोज, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सीनियर सहाफी, सियासी रहनुमाओं, समाजी और तजारती शख्सियात की शिरकत। शुरका के हुकूमती इकदाम के खिलाफ नारे। लाहौर कॉलेज पर आए खवातीन यूनिवर्सिटी में सिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, डॉक्टर अकरम चौधरी, प्रोफेसर हफ्सा मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साहर समेत दीगर की शिरकत। सिरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज खिताबात। गवर्नमेंट एपीएस बॉयज हाई स्कूल मॉडल टाउन में यौम इकबाल के हवाले से तकरीब। बच्चों ने अलामा इकबाल की शायरी, फलसफा, नज़्में और कलाम पेश किया। तलबा ने इकबाल डे के हवाले से मुख्तलिफ पेंटिंग्स भी तैयार की। और नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, लाहौर टाइगर्स ने लाहौर ग्रीन्स को 121 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बनाए। जवाब में लाहौर ग्रीन्स की टीम 101 रन बनाकर आउट हो गई।